सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन मुझे वापस जाना है भाई अपने चंडीगढ़, क्योंकि बहुत दिन हो गए यार, 4 दिन हो गए घर पे बैठे हुए। छुट्टियां थी मुझे सिर्फ 2 दिन की, अब बीमार पड़ गया तो 2 दिन एक्स्ट्रा लेने पड़े। अब यार मेडिकल सर्टिफिकेट भी कल नहीं बना, तुम लोग को मैंने बताया था, बाल की कटिंग भी नहीं करवाई अब। लेकिन टाइम ऐसा है कि देखो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। 2:30 बजे यहाँ से बस जाएगी मर्सिडीज, जो कि मुझे पकड़नी है क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। वो 3 घंटे 3.5 घंटे में मुझे चंडीगढ़ में पहुंचा देगी, तो मुझे वो बस मिस नहीं करनी है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल भाई ये देखो हम लोग सुबह का खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे बना रखे हैं मम्मा ने पराठे, तो ये पराठे और चाय पी के ना मैं एक बार बाहर जाऊंगा, थोड़ा सा देख के आता हूँ। अगर डॉक्टर की शॉप खुली होगी ना तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। अब रीज़न देखो उसका ये है कि मैं ऑफिस में अगर नहीं भी लगाऊंगा, वैसे ऑनलाइन अपलोड होगा नहीं मेरे से ये, बट इन केस अगर किसी ने पूछ लिया कोई प्रॉब्लम आई तो एटलीस्ट मैं दिखा पाऊंगा ना कि यार मैं बीमार था, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, ये देख लो मेरा प्रूफ है। तो दैट इज़ वाई वो बनाना ज़रूरी है। तो पहले जाऊँगा देख के आता हूँ वो बन जाए। कटिंग की शॉप अगर खुली होगी, टाइम होगा तो वो भी करवा लेंगे। बाकी यार आज चंडीगढ़ निकलना है ब्रो, बाकी यार देखते हैं मिलते हैं। सो गाइस, डॉक्टर की दुकान तो भाई आज भी बंद थी, वैसे मैं कल भी आया था डॉक्टर के पास। अगर आप लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, रुको मैं ना आप लोगों की वीडियो दिखाता हूँ कल की। भाई थोड़ी सी ये वीडियो देखो भाई, यार एक तो मैं पहले बीमार पड़ा हुआ हूँ, बुरा हाल मेरा, ऊपर से इसकी अलग बकचोदियां चल रही है भाई, माँ कसम। आधा घंटा हो गया किक मारते मारते, स्टार्ट ही नहीं हो रही भाई, कसम से यार थक गया मैं। कल भी इसने परेशान किया, आज भाई चलते चलते आराम से बाहर आ गई, और बाहर आके ऐसी अटकी है ना, पूरा आधा घंटा हुआ मेरे को किक मार मार के भाई, मेरा सांस फूल गया, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, ये ना स्टार्ट हो रही। कसम से मन कर रहा है ना इसको फेंक दूँ किसी खड्डे वड्डे में, नाला दिख रहा तुम लोग को, मन कर रहा है इसको इस नाले में फेंक दूँ। माँ कसम यार इतना दुखी नहीं किया कभी किसी ने मेरे को, भाई गर्लफ्रेंड भी इतना दुखी करती है ना, मैं तभी ब्रेकअप कर लेता हूँ। ये तो साली क्या ही बताऊँ यार तुम लोग को, धक्का भी नहीं लग रहा यार, एक तो मैं बीमार, ऊपर से सारा धक्का भी नहीं लग रहा मेरे से, क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं भाई बीमारी के अंदर। माँ कसम यार भाई, तरस नहीं आ रहा क्या तेरे को मेरी स्कूटी मेरे पे, एक तो मैं पहले बीमार हूँ ऊपर से धक्का लगवा रही है बेशरम। तो भाई आप लोगों ने वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी, आप लोग को पता लग गया होगा कल मैं कितना परेशान हुआ भाई ये डॉक्टर के चक्कर में। चलो भाई डॉक्टर तो नहीं मिला, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, कोई बात नहीं देखी जाएगी जो होगा। मेन अब रह गया कटिंग करवाने का, तो कटिंग तो करवा लेता हूँ एटलीस्ट, वो तो करवा ही सकता हूँ ना, तो पहले चलते कटिंग करवा लेते हैं यार। गाइस फाइनली मैं कटिंग वटिंग करा के आ गया, एकदम स्मार्टी स्मार्टी बन गया हूँ, बढ़िया लग रहा हूँ ना वैसे। बाय द वे 3-4 दिनों से तो कुछ ज्यादा ही बुरा हाल चल रहा था, मेरे बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हो गई थी, शक्ल बेजान हो गई थी, मगर अब बढ़िया लग रहा हूँ। बाकी अभी जा रहा था मैं भाई बस स्टैंड के लिए, और यार मेरे घर से ना बस स्टैंड थोड़ा दूर पड़ता है, यहाँ पे ऑटो वाटो कोई आते नहीं है। पहले मैं जा रहा था अभी स्कूटी पे, मैंने सोचा था पास में एक लड़का, मम्मी कहती मैं उसको बोलती हूँ वो छोड़ाएगा, फिर जीजू जी का फोन आ गया, कहते हम लोग आ रहे हैं, बहन मेरी कहती हम लोग आ रहे हैं, हम लोग छोड़ देंगे। मैंने कहा ओके, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ, बस स्टैंड मेरे को छोड़ने के लिए। तो चलो बस स्टैंड चलते हैं पहले गाइस। बाकी मेरे को बस का भी पक्का है नहीं है, फ्रेंड कह रहा था 2:30 बजे आती है, आई एम नॉट श्योर, जाके ही पता लगेगा। 2 बजने वाले ऑलमोस्ट आधा घंटा ही बचा, तो निकल लेते हैं, बस ना निकल जाए बाद में मिलेगी नहीं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे बस तो हमको मिल गई भाई, मस्त एसी वाली, देख लो कितनी मस्त एकदम बढ़िया वाली बस हमको मिल गई। लेकिन भाई यहाँ पे हमको मरा 700 रुपए का किराया, और वो भी इसके अंदर भाई हमको सीट भी नहीं मिली भाई, हमको स्टूल पे बैठ के आना पड़ा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए वही वाले ढाबे पे, DS ढाबा, जहाँ पे जाते वक्त मैं गया था। अभी भाई हमारी बस यहीं पे खड़ी है ढाबे पे, रुको मैं दिखाता हूँ तुमको, ये देखो भाई वो खड़ी है हमारी बस। अभी थोड़ी देर बस भाई चाय पियेंगे, थोड़े से कुरकुरे खाएंगे, भूख लग रही है भाई मेरे को बहुत ज्यादा। और ऊपर से पता है क्या, अभी मेरे पास टाइम भी ऑलमोस्ट इतना ही होगा कि अभी मैं सिर्फ पहुंचूंगा, और पहुंचने के बाद सीधा ऑफिस जाने का टाइम होने वाला है, तो ज्यादा टाइम मिलने भी नहीं वाला। तो भाई बस सही है, अभी यहाँ से निकलो सीधा घर पे पहुंचो, घर पे तैयार हो जाओ आराम से और निकल लो ऑफिस, ठीक है बढ़िया। बाकी चाय बहुत टेस्टी यार, मौसम भी ठीक है, धूप भी निकली हुई है, बढ़िया चल रहा है यार। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया खरड़ वापस, अभी भूख लग रही थी थोड़ी सी। एक दिन ना जैद ने कमेंट के अंदर बोल दिया था, कहता कि भैया वो चिकन बिरयानी खाओ, चिकन बिरयानी। भाई उस दिन से मेरा चिकन बिरयानी खाने का इतना मन कर रहा था ना। आ गए फाइनली हम लोग यहाँ पर, चिकन बिरयानी खाए मैंने भाई, बहुत टेस्टी है भाई। दबे अभी ये खा के बस रूम में निकल रहा हूँ मैं, थोड़ी देर उसको खाते हैं, कैब करते हैं, फिर रूम में निकलते हैं, कैब करनी पड़ेगी यार, रजाई है बस में। सो ओके गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने रूम पे, और टाइम एक्चुअली भी हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो आई होप इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड कर देना चाहिए, बिकॉज बता नहीं अभी और कुछ दिखाने के लिए तुम लोग को।
तो गाइस इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सिया सब बखैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, बाय।